Good morning to all you boys from 88 Racing. This is your boy Shashank Sharma and I am back with a beautiful vlog. Kyun beautiful hone wala hai vlog? Let me just show you. Now this is the mighty Harley Davidson Sportster S 1250. Maza aayega aaj. Ye kal aaya hai. From Delhi. Now I got this from NS1. Actually I didn't buy it, a friend of mine did. To wo aaj iske ghar jayega. And before that इसको एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे मजेदार. ये देखिए 209 ब्रांड स्पैंकिंग न्यू. इसका रनिंग भी प्रॉपरली नहीं हुआ, इतना नया बाइक है. एंड वी आर जस्ट गोइंग टू फायर इट अप. दिस इज द फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द बाइक इन गुवाहाटी. और आज इसको मैं चला के जाने वाला हूँ नौगांव तक. रोड क्या टायर है देखिए ना, बड़ा ब्यूटीफुल लुकिंग बाइक, ब्रांड न्यू, ब्रांड स्पैंकिंग न्यू. आगे मैं आपसे कैमरे में मिलता हूँ, GoPro में. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द बाइक, द हैंडलिंग, एवरीथिंग. अभी आप देख रहे हो कि फाइनली मेरा रोड जो है घर वाला वो धीरे धीरे जो है बन गया है. मॉन्स्टर. और इसका मैप जो है वी कैन चेंज इट ऑन वन टॉगल, इधर से मूड से. क्रेजी, इतना पावरफुल हार्ली डेविडसन और इतना स्पोर्टी मैंने कभी नहीं चलाया यार. सच ए नाइस बाइक. And the pull, four. क्या pull है? But then I have to be careful क्योंकि मैं riding gears लेके नहीं आया. The weather was nice, धूप इतना ज़्यादा नहीं है, तो I thought you know इसी में ही चला लेते हैं काम. ओ pull देखा आपने? अभी टायर पे ना पॉलिश लगा हुआ है, तो वी हैव टू बी केयरफुल विद द थ्रॉटल क्योंकि ब्रांड न्यू बाइक है. तो कंपनी क्या करती है, दे पुट पॉलिश इन द टायर्स ऑलवेज, तो उस पॉलिश से ज़रा बच के चलना है. बाबा इस बाइक को हमेशा सही रखना और हमेशा सुरक्षित रखना. एंड मे दिस बाइक ऑलवेज बी हेल्पफुल एंड ब्यूटिफुल एंड सेफ फॉर द ओनर. यही आपसे दुआ है. Because this is a very powerful bike, very very powerful. It's unlike any other Harley Davidson that I have ridden. Such a nice, beautiful piece of machinery. अभी आगे एक हनुमान मंदिर भी आएगा, वहाँ पे भी हम मट्ठा टेक लेंगे. क्योंकि whenever I travel through this road, and luckily it's the same road, this one, जय बजरंगबली. तो I feel कि मेरे को गुल्ला आता है. अभी we are in the twisties, and let's see twisties का इसका रिव्यू कैसा है. वेल इट हैज़ अ वेरी बिग फ्रंट टायर, सो आई एम नॉट श्योर हाउ मच लीन इट कैन टेक. प्लस द टायर्स हैव पॉलिश, सो आई डोंट वांट टू लीन इट टू मच ऑल्सो. प्लस इट्स अ न्यू बाइक, बट लेट्स सी द स्टीयरिंग ज्योमेट्री. ऑब्वियसली इट्स अ हाली, सो द ज्योमेट्री वोंट बी एज स्टीप, आई मीन द रेक वोंट बी एज स्टीप एज द स्पोर्ट्स बाइक्स, बट हैंडलिंग इज ओके, इट्स गुड. द सस्पेंशन सेटिंग which is obviously adjustable on the bike. It's tuned a little soft on the front, at the same time a little hard at the rear, which is making the rear a bit bouncy in the bumpy sections of the road. Lekin it's such a beauty. Effort zyada nahi chahiye, bahut effortlessly hi chal rahi hai bike. Now if we took this to Shillong, I mean the GS road, we would have known better about the handling, but hum udhar nahi jayenge because we're going in Nogaon side. The pull is extreme even in the road mode. It's changeable, like I said, ye mode button se change ho jata hai,
लेकिन इवन द रोड मोड हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ पुल, गुड अमाउंट ऑफ टॉर्क ऑन द थ्रॉटल. स्पोर्ट्स में तो पागल हो जाती है, लेकिन स्पोर्ट्स इज अ लिटिल टू एग्रेसिव फॉर द रोड. और हार्ली में लेट मी टेल यू, व्हेन यू टेक अ हार्ली एंड गो कॉर्नरिंग या हिल राइड्स में, डोंट जस्ट फुल्ली रिलाई ऑन योर फ्रंट ब्रेक्स, बिकॉज हार्ली का जो रेक होता है इट्स प्रीटी शैलो, आई मीन लंबा होता है वो, ट्रेल इज़ बिगर. सो उसमें क्या होता है, इफ़ यू पुट टू मच प्रेशर ऑन द फ्रंट यू माइट लूज द फ्रंट, स्पेशली जब आप ट्रेल कर रहे हो. तो यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ रियर ब्रेक्स, लिटिल बिट, मैंने ये नहीं बोल रहा उसके ऊपर चढ़ जाओ, लिटिल बिट ऑफ रियर टू स्टीयर द बाइक. आई डोंट नो इफ दिस इज मेकिंग सेंस, बट तो क्या था, व्हेन यू पुट ऑल फ्रंट ब्रेक का प्रेशर द बाइक इज लाइक दिस, जो हार्डली हैंडल नहीं कर सकता. स्पोर्ट्स बाइक कर लेता है, हार्डली हैंडल नहीं कर सकता. नाउ व्हेन यू अप्लाई द रियर एज वेल द बाइक गोज डाउन लाइक दिस, तो उसका ओरिजिनल ज्योमेट्री मेंटेन होता है. बाइक सारा डायनेमिक ज्योमेट्री, ठीक है, उसका अकॉर्डिंग टू ब्रेक प्रेशर्स फ्रंट एंड रियर, अकॉर्डिंग टू आप कैसे बैठे हो, इफ़ यू आर लीनिंग ऑफ द बाइक तो यू कैन चेंज द ज्योमेट्री ऑफ द बाइक बेसिकली. तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको बाइक चलाना है, स्पेशली विद द हार्लीज यू हैव टू बी मोर केयरफुल बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो रिलेटिवली हाई. सो एज यू कैन सी टायर्स मैंने यहाँ तक ही लीन किया, बिकॉज इधर अब देखिए पॉलिश है पूरा, एच तक किया तो वापस आ नहीं पाऊँगा. सेम इधर देखिए, यहाँ तक ही गया मैं, और आगे पॉलिश देखिए, देखा पॉलिश, इसके चक्कर में मैंने ज़्यादा भगाया. और भाई बारिशों के बाद आसाम रोड्स का हालत देखो, मतलब है तो बहुत सुंदर जगह, लेकिन रोड्स का हालत देखिए, खड्डे देखिए. अब यहाँ पे आप कौन सी बाइक चलाओगे बताओ. लेकिन एक बात बताओ, पर्सनली अगर मैं बोलना चाहूँ तो आई फाइंड कि स्पोर्ट्स बाइक्स आर ईजियर टू राइड देन दीज हालीज, क्योंकि ना उसमें क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए मेरे लेग्स सामने हैं दोनों, ये भी हाथ भी सामने, तो मेरा जो बैठने का पोजीशन है ना उसमें स्पाइन पूरा पूरा लोड लेता रहता है. तो जितना भी बम्पिंग होता है, जितना भी जर्किंग होता है, वो पूरा स्पाइन डायरेक्टली लेता है. इनकेस ऑफ अ स्पोर्ट्स बाइक ये पैर ना यूँ पीछे होते हैं, तो पीछे होते ही क्या होता है, वो पैर लोड लेता है, लेते ही आपका मसल इन्वॉल्व होता है, और जहाँ पे मसल इन्वॉल्व हो तो मसल लोड लेता है रादर देन द स्पाइन. तो स्पाइन क्या फ्री रहता है, थोड़ा उस पर लोड कम पड़ता है. तभी मैं जब स्पोर्ट्स बाइक चलाता हूँ, हाँ अगर आप स्पोर्ट्स बाइक में गलत बैठोगे, आप पैर का स्ट्रेंथ यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको कमर दुखेगा. अदरवाइज पैर का मसल बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो पूरा पूरा लोड लेता है. अब खड्डों के चक्कर में देखिए कोई भी कहीं भी ब्रेक लगा देता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑल्सो. और रोड्स पे यू हैव टू केयर मोर अबाउट अदर्स देन योरसेल्फ, बिकॉज आप खुद तो ठीक ही चलाओगे. 90% ऑफ द राइडर्स स्पेशली वो ठीक ही चलाते हैं, राइडर्स नो हाउ टू राइड, बट द कार ड्राइवर्स उनके म्यूजिक सिस्टम्स ऑन होते हैं, दे टॉकिंग टू पीपल, दे टॉकिंग ऑन द फोन, डिफरेंट थिंग्स, और वो ना ध्यान नहीं देते. और स्पेशली रियर व्यू देखने का जो कल्चर है वो इंडिया में बहुत कम ही है, तो पीछे कोई नहीं देखता, कौन आ रहा है, कितने स्पीड में आ रहा है, कुछ नहीं देखता कोई भी, एकदम से कट मार देते हैं. और पीछे वाला राइडर अगर ज़रा सा भी फास्ट आए तो भाई हादसा हो सकता है. तो इसलिए अब मैं हमेशा इसलिए सबको बोलता हूँ, रोड के बीच में पत्थर हो, कंकड़ हो, पॉट होल हो, स्लिपरी कुछ हो, गाड़ी आके आपको मारे या आप गाड़ी को मारे, या गाय भैंस बकरी कुछ भी आ जाए आप उसको मारे या वो आपको मारे, गिरना हमेशा इन ऑल द केसेस राइडर को ही है. तो एवरी टाइम यू राइड अ बाइक, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही चलाना, तभी आप देखोगे मैं रोड राइडिंग बहुत कम ही करता हूँ, आजकल रोड राइडिंग करता ही नहीं. और आज हाली आई बोल के थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया, मैं बोला चलो थोड़ा सा चला ही लेते हैं. वहाँ मृत्युंजय जा रहे हैं बाबा के पास, शिव बाबा के पास, बाबा ने बुलाया, भक्त आ गए उनके पास, तो मैंने सोचा कि इसको ही लेके चलते हैं. और एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊँ आपको, ये देखिए थ्रॉटल पे मेरा हाथ ही नहीं है लेकिन बाइक जा रही है, स्पीड मेंटेन्ड 73, ये देखिए, वो दिखाता हूँ कैसे. अब स्पीड मैंने थ्रॉटल से स्पीड उठाया, ये रहा क्रूज कंट्रोल, हालांकि इंडियन रोड्स में इतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ से क्रूज ऑन करा, सेट स्पीड 80 रखा, थोड़ा कम कर देते 80 ज़्यादा हो जाता है, बस 76-77 पे मैंने क्रूज कंट्रोल कर दिया ऑन. अब यहाँ से आप स्पीड कम, ये देखिए मैं कम करना चाहता हूँ स्पीड, तो कम होएगा, 76-75 आ गया, 73 आ गया, अब ये 73 पे जो है चलती रहेगी भाई. बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, दो क्लिक बढ़ा दिया,
तो 76 75 76 पे चली गई भाई। और ये देखिए खड्डे, तो इनके चक्कर में, और जब ब्रेक एंगेज करते हो या कुछ तो क्रूज कंट्रोल अपने आप जो है डिसएंगेज हो जाता है। सो अनदर ग्रेट फीचर। अब मैंने वैसे लगा के छोड़ दिया है, और हालांकि ये करना नहीं चाहिए, लेकिन दोनों हाथ फ्री है और बाइक जा रही है। देखिए स्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अब देखिए बैलेंसिंग के लिए कोई हाथ नहीं यूज़ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बाइक अपने आप जा रही है। लेकिन स्टीयरिंग इनपुट्स अपने आप नहीं होते, तो वो जो है अपने करना पड़ता है स्टीयरिंग इनपुट्स, नहीं तो वो टेस्ला बन जाता। अब ये गाड़ी वाले लोग जो है गाड़ी से मेरे वीडियो बना रहे हैं, मैं भी पोज दे रहा हूँ। ये देखिए ये देखिए ये देखिए। फिर हम जागी रोड पहुँचे हैं, इस साइड में पेपर मिल था जो बंद हो गया, और ये फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये पूरा ना ऑफ रोडिंग सेक्शन बना हुआ है, अब इसके थ्रू जाना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द वर्स्ट सेक्शन रोहा छोड़ के, रोहा में भी ऐसा एक सेक्शन है। और रोड देखिए भाई, आप इधर लैम्बोर्गिनी भी ले लो तो भी जाना इसी रोड से पड़ेगा, तो क्या थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है इस रोड को देख के, मतलब ये सेक्शन को। लेकिन कोई नहीं, काम हो रहा है, ये देखिए कितना फास्ट काम हो रहा है। और बाकी कुछ होना हो, सरकार ने NHAI ने बहुत काम किया है आसाम रोड्स पे स्पेशली। अभी बारिश के कारण बहुत सारे रोड्स टूट भी गए, लेकिन बहुत सारा नया ओवरब्रिजेस खुला है जिसके कारण जाम बहुत कम हो गया है। तो ऑल इन ऑल बहुत काम हुआ है। अगर आपको याद होगा, पहले हम लोग एक बार S1000 लेके इधर आए हुए थे, S1000 959 ZX6R ये सब लेके आए हुए थे। तो उस टाइम में रोड जो है छोटी थी, लेकिन कहीं पे टूटा फूटा सेक्शन नहीं था। तो अभी कंस्ट्रक्शन के चक्कर में थोड़ा सा टूट फूट गया है, बेयर करना पड़ता है, क्योंकि एक बार जब बन जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ये देखिए सीनरी कितना सुंदर लगता है यहाँ से, इधर भी ग्रीन उधर भी ग्रीन पहाड़ियाँ। और ये स्ट्रेच पे मैंने याद है S1000 को बहुत भगाया था, क्योंकि तब ट्रैफिक भी उस दिन कम था थोड़ा सा। ओहो, हार्ली डेविडसन एंड ओपन रोड्स, मज़ा आ जाता है। लेकिन वही है, स्पोर्ट्स बाइक वाला कंफर्ट जो मैं ढूंढता हूँ वो नहीं मिलता, लेकिन फॉर अ हार्ली बाइक बहुत बढ़िया है, क्योंकि आई डोंट गेट द वाइब्रेशंस पहले जितना था, बहुत स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन है। दिस लुक्स मोर लाइक द रॉड चलाया था मैंने बहुत पहले, वी रॉड, तो रॉड की तरह है थोड़ा सा इंजन, और थोड़ा सा स्मूथ है रॉड से भी। तो इन ए वे इट्स वेरी नाइस बाइक, ब्यूटीफुल फॉर अ हार्ली दैट इज। तो हमने आगे जाके पेड़ों के बीच में टेना डाली थी और शूट करा था, फ़ोटो वगैरह निकाली थी मैंने कुछ तरह। एक पुल भी किया था, एक दो पुल्स किए थे 230 वगैरह, रोड फ्री था इसलिए, और ये जम्प्स भी अंडुलेशंस भी इतने ज़्यादा नहीं थे, अभी तो वो भी बहुत बढ़ गए। ओहो बेचारे का फ्यूल ख़त्म हो गया। तो राइट नाउ वी हैव रीच्ड नौगांव का बाईपास, बाहर से आके हम लोग इधर फर्स्ट गोल चक्कर में इधर उसके ऊपर रुके हुए हैं। एंड बाइक थोड़ा सा गंदा हो गया है, बिकॉज देयर हैज बीन मड इन सम प्लेसेस, तो थोड़ा सा गंदा हो गया। मुगरांग कैसा लगा चला की? ठीक था, स्मूथ है। 1250 cc कंपेयर करके तो इसका थ्रॉटल बहुत स्मूथ है, ब्रेक भी ठीक है, बढ़िया, और ओवरऑल पूरा बाइक ही स्मूथ है। स्मूथ है ना, हार्ली डेविडसन के हिसाब से बहुत स्मूथ बाइक है, बहुत बढ़िया बाइक है। मतलब ऐसे ये बाइक इतना डिमांड में नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ द स्मूथनेस और जो रिफाइनमेंट किया है इंजन का और जो एर्गोनॉमिक्स है बाइक का, इसलिए। तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं वापस बाइक में बैठूंगा एंड वी विल गो टू द मंदिर, और वहां से मुकरंग जो है चला जाएगा घर और मैं वापस पूजा करके। बाहर का टेम्परेचर देख लेते हैं, इट्स 36 डिग्रीज। चलो चलते हैं मंदिर। अभी हम हाईवे पे हैं, तो रोड देखते हुए अगर खाली मिला तो एक आध पुल्स करेंगे। कीफ ऑफ को देख रहना होता है, क्योंकि पता नहीं कब साला पॉकेट से निकल जाए। हमने जाना है उस साइड, अब आई होप अभी गलती ना कर दे और उसी रोड पे ही चले। यहाँ से जो है मंदिर बहुत पास ही है, एक यू टर्न है, तो आगे जाके हमने वो यू टर्न लगाना पड़ेगा। अब
अब यहाँ से भी जो है एक रोड है जाने का, ये रोड भी जाता है, लेकिन हम इससे नहीं जाएंगे, आगे वाले से जाएंगे। इधर एक्चुअली दो तीन रोड है मंदिर जाने के लिए, कुछ रोड्स थोड़ा छोटा होता है, कुछ रोड्स थोड़ा बड़ा होता है। और वाइब देखिए, वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग है। एंड द वाइब हैज चेंज्ड, वेदर भी ओए 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 ओए, वेदर भी चेंज हो गया एंड पूरा वाइब ही चेंज हो गया, क्योंकि मंदिर पहुंचने वाले हैं। और ऐसा वाइब देखने से ऐसा लगता है कि हाँ, हमको बुलाया है बाबा ने, क्योंकि द रोड इज़ वेरी नाइस, सुकून मिलता है। और ये सुकून हाल ही में, ओह हो हो, दिस इज़ द रीज़न मैं ये बाइक लेके आया था, क्योंकि आई वांटेड टू फील दिस सरीननेस वाइल ट्रैवलिंग। और ये जो महीना है, ये बोला जाता है कि सबसे जागृत महीना है, क्योंकि शिव जी और पार्वती जी अर्थ में इसी महीने में आए थे, सावन बोलते हैं। आप कोई भी मन्नत है मांग सकते हो, तो बोला जाता है कि आप इस टाइम में मन्नत मांगने से फुलफिल होता है। अभी जो है हम पहुंच गए हैं, दिस इज़ द ब्यूटीफुल टेंपल, शिव जी का जो टेंपल है महामृत्युंजय, वी हैव एंटर्ड फ्रॉम दिस साइड, द टेंपल इज ओवर देयर, देख सकते हो कितना मैसिव है टेंपल। ये लोग भी आ गए, तो अभी हम चलते हैं अंदर। सो गाइज, वी हैव रीच्ड द टेंपल, मेरे पीछे देख सकते हो आप, दैट इज़ द टेंपल ओवर देयर, महामृत्युंजय। एंड मैं वहाँ जाऊँगा अभी प्रे करने के लिए। एंड जो है अभी मेरी बाइक लेके निकल रहा है मुकरांग। बाय बाय, आई विल सी यू, सेफ जर्नी। ओके, कल तक उसी रोड से वापस जाना है जहाँ से हम आए थे, इस साइड से भी जा सकते हैं वैसे, लेकिन दैट इज़ बेटर, क्योंकि अभी आपको दिख गया है वो रोड। चाबी ले जाओ, राइड सेफ, एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल हार्ली डेविडसन स्पोर्ट्स रेस। बाय बाय बेबी, अच्छे से रहना। If you like what you see, do subscribe to the channel and share it among your friends. With that said, this is Sushant Sharma saying goodbye from 88 Racing. I'll see you all in the next vlog. Bye bye guys.